करवा चौथ हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ये मनाया जाता है। वही करवा चौथ की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से होती है, जो सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले खाई जाती है। इस दौरान करवा माता, भगवान गणेश और चंद्रमा की विधिवत पूजा भी करते हैं। इस साल करवा चौथ पर भी भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं इस दौरान सुहागिनों को किस तरह के काम करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को अशुभ मानते हैं। कहा जाता है कि भद्रा शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है। इस साल करवा चौथ पर 20 अक्टूबर के वक्त 21 मिनट तक भद्रा का साया रहेगा। करवा चौथ के दिन पूजा का समय 20 अक्टूबर 2024 की शाम 5:46 से शुरू हो रहा है। ये शुभ मुहूर्त 7:02 तक रहेगी। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:24 से 6:46 तक रहेगा। करवा चौथ व्रत की शुरुआत भद्राकाल से पहले हो जाएगी। ऐसे में व्रती सूर्योदय से पहले स्नान कर सर्गी ग्रहण कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। करवा चौथ व्रत वाले दिन सुहागिने अपने श्रृंगार में सफेद और काले रंग की वस्तु का इस्तेमाल न करें। सुहागिन महिलाएं ऐसे रंगों से दूरी बना लें जो जीवन में नकारात्मकता पैदा करती हैं। भद्रा काल के दौरान कोई संपत्ति या व्यापार की शुरुआत या निवेश न करें। साथ ही इस पूजा के बाद जब भी कोई श्रृंगार की वस्तु बच जाए तो उसे इधर उधर ना फेंकें, बल्कि उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी को दान कर दें। इस दिन धारदार चीज़ों का इस्तेमाल न करें। साथ ही किसी से कोई भी मनमुटाव न रखें और अपशब्द ना कहें। व्रत पारण करने के बाद तामसिक भोजन ना खाएं। हालांकि करवा चौथ की पूजा के समय भद्रा नहीं है, फिर भी अगर महिलाओं को भद्रा का भय सता रहा है तो इस मंत्र का जाप करें। धन्य ददमुखी भद्रा महामारी खरानना कालरात्रिर महारुद्रा विशिष्टश्च कुलपुत्रिका भैरवी च महाकाली अशुराणाम शयंकरी द्वादश्चैव तु नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् न च व्याधिर्भवेत् तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते गृह सर्वे नुकूलाः स्नेयुः च विघ्नादि जायते। इस मंत्र के जाप से भद्रा का भय भी कम होगा और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं भी नष्ट होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।